haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance. क्या हुआ है? खाना नहीं खा रही है. खाना नहीं खा रही है. मामा ने खा लिया. कुछ खा? ओके बिल्ला आ रही है. बिल्ला आ रही है. बिल्ला कम. बिल्ला कम. बिल्ला कम. क्यू का खाना खा लो. खा लो खा लो. क्यू का खाना खा लो. बिल्ला बिल्ला कहाँ है? हाँ बिल्ला खे नहीं है. हो गया फिनिश. खाना फिनिश. क्यू को खाना खिलाने के लिए आधा घंटा हम एफर्ट मारते हैं. मामा यू आर वेरी गुड गर्ल. मामा डू यू नो दैट? हेलो गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू मम्मी एंड फ्लरी टेल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग. ये चलता है हमारी सुबह सुबह की फाइट कियारा के खाने को लेके. डरा के खेल के मज़े से कैसे भी हो बस खाना खा ले. तो अभी टाइम है 9:40 और इन दोनों ने फिनिश कर लिया है ब्रेकफास्ट. तो हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा ये खाने का प्रोसेस स्मूथ हो. पहले हम थोड़ा लेट खाना दे रहे थे कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करके खाना खाए. बट अभी हम फिर से थोड़ा सा रूटीन आगे किए हैं कि अभी सुबह जल्दी खिला देते हैं ताकि शाम तक 7:30 तक दोनों को फिर से भूख लगे. तो आप लोग मुझे पूछते हो बहुत सारी बातें खाने को लेके, डाइट को लेके. बट एक्चुअली दिस इज़ जस्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. जो जब काम करता है हम वही करते हैं. बट हाँ, डाइट के बारे में, फूड के बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. जो खिलाते हैं वही खिलाते हैं. अगर कुछ नया इंक्लूड करते हैं तो उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं या तो अपने वेट से कंसल्ट कर लेते हैं. तो फ्लरू ने खा लिया है खाना, मेरी गुड गर्ल. और फ्लरू ने कल थोड़ा डरा दिया था. ये मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ. फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल इन्फो होने वाला है कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमने इन दोनों का डीवॉर्मिंग किया था. तो डीवॉर्मिंग के बाद 24 आवर्स के बाद दे बोथ स्टार्टेड पूपिंग. द इनिशियल पार्ट वॉज सॉलिड बट लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन थोड़ा सा वो गुई गुई सा था. उसके साथ फ्लरी के पूप में एक दिन ही थोड़ा बहुत ब्लड भी आया. तो ऑफकोर्स मैं डर गई. बाद में वेट के साथ बात करके और गूगल में भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, जो पता चला कि ये बहुत नॉर्मल है डीवॉर्मिंग के बाद. अगर पेट में वॉर्म्स है तो डीवॉर्मिंग के बाद क्या होता है कि डीवॉर्मिंग का जो मेडिकेशन है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो अगर आप फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट हो या फर्स्ट टाइम डीवॉर्मिंग कर रहे हो उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल मत डरिएगा. इमीडिएटली आफ्टर द मेडिकेशन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज दैट किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन प्रोसेस गोज ऑन. तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा म्यूकस या थोड़ा सा ब्लड स्टेन्स आपको पूप में दिखे, वो नॉर्मल है. अगर बहुत दिन तक कंटिन्यू करता है और वो कम होने की जगह बढ़ता जाता है तो ज़रूर वेट को कंसल्ट कीजिए. अदरवाइज इफ़ इट हैपन्स फॉर वंस और ट्वाइस इमीडिएटली आफ्टर द डीवॉर्मिंग देर इज़ नथिंग टू वरी. जैसे मैं बहुत पैनिक की थी इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. है ना मामू, हमेशा डराती है हमेशा. किसी का डॉ अच्छा दादी देखो हमेशा जिदा. और दादू के घर में पिल्लों की कोई कमी नहीं है. और उसका पूरा फायदा कौन उठाती है? फ्लरी फ्लरी. हाँ always be there and I want you to know that I'm lost without you. तो बच्चों के साथ साथ मेरा भी डेली रूटीन थोड़ा सा शेयर कर दूँ. बहुत दिन हो गए ऐसे व्लॉग बनाए हैं. बहुत लोग बोल रहे हो कि दीदी पहले जैसे खाना वाना बनाने की व्लॉग करती थी वैसे फिर से करो. ये है हमारा ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं उपमा. किस किस को उपमा खाना पसंद है? यहाँ पे मेरे साथ जो उपमा खा रहे हैं उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे खास पसंद नहीं है बट फिर मैं खा. उसको एक कम्प्लेन है, क्या बता? रेगुलरली मतलब एक दिन बार बार पोहा 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 सुबह पोहा पोहा के चक्कर में मैं पागल हो गया हूं. ये बिल्कुल झूठ है. मैं भाग जाता हूं. लास्ट वीक एक दिन हुआ था ब्रेड ऑमलेट, फिर हुआ पराठा, एक दिन बना फिर पोहा, फिर हुआ फ्रेंच टोस्ट, फिर पोहा नहीं फिर चाउमीन. जैसे ही आता फिर चाउमीन. जैसे ही सुनने में आता है पोहा है मेरा रिएक्शन विल बी लाइक ओह नो नॉट अगेन. मैगी भी खाए हो. एक वीक में दिन होता है 7, उसमें तुमने देखो 7 टाइप के ही ब्रेकफास्ट मिला है तुमको. 7 के 7 दिन में और पोहा नहीं खाना चाहता हूँ.
कभी ना कभी तो रिपीट होगा ना, अभी थोड़ी हो सकता है कि महीने के 30 दिन में 30 तरीके की ब्रेकफास्ट ढूंढ ढूंढ के लाओ। तो कोशिश करती हूँ मिक्स एंड मैच करके देने की, और जिस दिन भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो, उस दिन मैं पोहा से काम चला देती हूँ। तो इसका वही कंप्लेन है कि तुम हर 2 दिन में पोहा क्यों बनाते हो ब्रेकफास्ट में। तो आप सबके साथ लास्ट बात हुआ था ब्रेकफास्ट के टाइम, नाउ इट्स 1:45। इतना टाइम चला गया क्योंकि थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम कर रही थी। पुराने वार्डरोब में से कुछ अनयूज्ड बेडशीट्स और जो यूजेबल नहीं है वो सब थोड़ा सॉर्ट आउट कर रही थी। अभी तक हमारा लंच नहीं हुआ। बट क्यों फ्लायर क्या कर रही है, क्यों फ्लायर फ्लायर क्यों गिर जाएगी, कहाँ सो रही है, क्यों गिर जाएगी, हाँ वो हो जाएगा हाँ। तो ये दोनों उस चक्कर में जो हम बिजी थे अपने अपने काम में, ऊपर नीचे इनका चलता रहा, अभी टायर्ड होके सो रही है। और चलिए शेयर करती हूँ आज लंच में क्या क्या बना है। राइस प्लेटिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी दीपांजन ने लिया है क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द है। जैसे आपने देखा आज बना है बैंगन फ्राई, उसके साथ दिस इज काकरोल और परवल फ्राई, पोस्तो विथ रिज गोड है, मूंग दाल, मेन अट्रैक्शन ऑफ द डे हिल्सा फिश। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट? हिल्सा फिश। सुबह बिल्ला को इतना याद किया, अभी बिल्ला दिख गई। कियारा को देखो, कियारा कोई मैं कोई, ओह कियारा को समझ में नहीं आ रहा कौन से विंडो से देखा था उसने, ए दिखे, हाँ बिल्ला। कियारा का तो रिएक्शन मतलब वो जैसे विंडो तोड़ के वापस जाएगी वहाँ पे, और जाके तू करेगी क्या, हाँ मुंडी निकल गया है तो कैसे जाएगी बुद्धू, कैसे जाएगी तू, हेलो गुड इवनिंग। हम लोग अभी थोड़ा निकले हैं बाहर क्योंकि हमें बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए हम थोड़े तरस रहे थे, और इस तरस के वजह से हमने अभी डिसाइड किया है कि हम अभी जाएंगे। हाँ, जब से हम कोलकाता में आए हैं, हाँ, ये चीज़ हमने नहीं खाया है, हाँ, और कोलकाता में आके दूसरे टाइम यही चीज़ हम सबसे पहले खाते हैं, हाँ, तो अभी आपको दिखाते हैं जाने के बाद। हाँ। जगह ठोकर खाने के बाद फिर हमें फाइनली यहाँ पे आगे मिला तेले भाजा, आलू चप एंड बेगुनी। ये खाने के लिए हम तरस गए थे। जो जान पहचान की 2 दुकान हैं वो दोनों ही आज बंद है। अब आज बंद है या परमानेंटली बंद हो गया है पता नहीं। फिर जहाँ पे हम रजनीगंधा का स्टिक लेने गए वहाँ से मौसी से इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे भी एक बैठते एक बंदा जो तेले भाजा सेल करता है, तो हम आए चांस लेने और मिल गया। हाँ, तो फ्रॉम मुखर्जी चॉप सेंटर वी गॉट आलू चॉप एंड बेगुनी। नाउ लेट्स सी, घर जाके पापा वेट कर रहे हैं, मुड़ी के साथ एंजॉय करेंगे। पापा को लग रहा है कि हम शायद खुद ही खरीद के उसको फ्राई करके लेके आ रहे हैं, है ना? हाँ, बट तेले भाजा हैज बिकम सो रेयर, है ना? 50 मिनट हो गया। हाँ, ये तो हमें हर गली मोहल्ले में मिलता था पहले। हाँ, तेले भाजा इतना रेयर हो गया है कोई आइडिया नहीं था। ये तो हर गली में 2-3 दुकान होता है, बट चलो अच्छा है मिल गया।
फ्लरी और क्यू क्यू के लिए बना था एकदम फ्रेश फ्रेश खाना, वो आपको बोल देख के समझ आ जाएगा। एकदम क्लीन ही क्लीन कर लिया, गुड गर्ल, आ जाओ आ जाओ। I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. हमारी फ्लरू और क्यू को, स्पेशली फ्लरू को छत पे आना बहुत पसंद है। रीज़न है कि फ्लरी के तरह ही प्रिटी प्रिटी दो फ्लावर के प्लांट्स लाए हैं हम, है ना मामा, तो वो रोज़ इनके देखभाल करने आती है। एवरी डे शी कम्स टू लुक आफ्टर दिस प्लांट्स। फ्लरी को ये मिट्टी का खुशबू बहुत अच्छा लगता है गैस। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्यों सबको गुड मॉर्निंग कर दो? कल हम व्लॉग नहीं एंड कर पाए, रात को आके थोड़ा बिजी हो गई थी। एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है तो सबको लेके थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, बहुत सारे चीज़ों को लेके, इसलिए व्लॉग थोड़ा सा लेट आया था। तो प्लीज़ कुछ माइंड मत कीजिएगा। और आज अभी इस व्लॉग को यहाँ पर हम करेंगे एंड। हमारी क्यू एकदम अच्छा खासा निनी करके उठ गई है और क्यू की दीदी अभी तक नहीं उठी है। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर नियर एंड डियर वंस। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय। क्या किची करो।